गुड इवनिंग पेरेंट्स माइ सेल्फ प्रतिभा शर्मा है जी वेलकम टू रेडिस दिस इज योर अकेडमिकर्टींथ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी सो दिस इज योर ड्राॅइंग डेट थर्टींथ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लास वर्क है कलर द बुक क्वेश्चन है आपका कलर कलर द बुक आपको मैंने ये कल, बुक दी है तो आपको ये कलर करनी है ठीक है स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक सम कलर्स और आपको कलर करने हैं टेक पिंक कलर पिंक कलर आप बॉर्डर बना के नीट एंड क्लीन कलर करेंगे सी मैम ने पिंक कलर कर दिया नाउ आई एम डूइंग ब्लू कलर मैम ब्लू कलर कर रही हूँ स्लोली स्लोली ये ओ के बुक जो लिखा है मैम ने उसको हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से ओके okay, स्टूडेंट्स ताकि बुक और ब्यूटीफुल लगे दैन मैंने इसमें ऑरेंज कलर इंक्लूड कर दिया है और आपको कलर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने जिससे बुक हमारी सुंदर सुंदर दिखे ओ वाओ कितनी सुंदर लग रही है ना बुक मैम ने कितना सुंदर कलर करा है इसी तरह से आपको भी अपनी बुक में कलर करना है और ड्रॉ करनी है मैम मतलब आपकी मम्मा आपको ड्रॉ करके दे देंगी तो आपको कलरिंग करनी है ठीक है वॉट इज दिस ओ दिस इज योर अकेडमिक बेस्ड एक्टिविटी दिस इज योर अकेडमिक बेस्ड एक्टिविटी वीडियो तो आपको क्या करना है हमारी आज की एक्टिविटी में एक पेज लेना है या कुछ भी शीट लेनी है उस पर सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं किसी भी ग्लास की हेल्प से किसी भी बैंगल्स की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे रख कर और इस पर इधर से स्केच लगा देंगे तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो मैंने कुछ बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं और इसमें कुछ डॉट्स स्केच uh, की हेल्प से डॉट्स ड्रॉ कर दिए हैं ठीक है आप डॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स भी कर सकते हैं कुछ और अच्छा, अच्छा अट्रैक्टिव करने के लिए डॉट्स आप मोस्टली लूडो में प्ले करते हैं लेकिन मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं ताकि जो बच्चे हैं जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए कि वाओ व्हाट इज जिस अ टॉफ़ी दिस इज स्टार्स बॉल्स आइसक्रीम्स कैप्स एक्सेट्रा इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए फिर आप अपनी किचन से कुछ ग्लासेस लीजिए जस्ट लाइक like दैट मैंने कुछ ग्लास लिए हैं और उस पर नंबर सेप्स बनाकर ऐसे पेस्ट कर दिया है आप फेविकोल से पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास मार्कर या कुछ स्केच पेन है या आपके पास प्लास्टिक के ग्लासेस हैं तो प्लास्टिक के ग्लास पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं ऊपर आपको ऐसे नंबर स्लिप्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी आ, क्योंकि आपके प्लास्टिक के ग्लास के ऊपर आपका स्केच पेन चल सकता है बट आई हैव स्टील ग्लासेस दैट्स वाई आई मेक नंबर स्लिप्स एंड राइट ऑन नंबर स्लिप्स मैंने इसी वजह से मैंने नंबर स्लिप्स बना के नंबर स्लिप्स पर लिखा है क्योंकि मेरे पास स्टील के ग्लासेज हैं और अगर आपके पास प्लास्टिक के क्लास हैं तो प्लास्टिक के ग्लास पर आपको नंबर सब बनाने की नीड नहीं होगी तो आप इजीली उस पर ही लिख पाएंगे अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी को कम्प्लीट कराने के लिए ये आपको इस तरह से बच्चों के फ्रंट रख देना है उनके सामने रख देना है उनके ठीक है अब आपको कहना है कि आपको कोई भी सर्कल एक काउंट करना है जैसे कि हमने फर्स्ट सर्कल है हमने इस काउंट करा हाउ मनी सर्कल हाउ मैनी डॉट्स इन दिस बॉल इन दिस सर्कल हाउ मैनी डॉट इन दिस सर्कल वन तो इसमें से चूज करिए कि विच इन कहाँ है वन वाला ग्लास दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, वन तो मैंने इस ग्लास उठाकर इस पर रख दिया ओके स्टूडेंट्स सेकंड सर्कल को काउंट करो पिक्चर्स इसमें कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन इज सेवन कहाँ रखा है सेवन कहाँ लिखा हुआ है

फाइव वेयर इज़ फाइव कहाँ है फाइव वाला ग्लास? हेयर इज़ फाइव तो आपको फाइव ग्लास को रख देना है ओके okay. इस एक्टिविटी की से आपके बच्चे नंबर रिकॉग्निशन और काउंटिंग अच्छा करना सीख जाएंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू